अस्सलाम वालेकुम बेटा, ज़रा थोड़ी देर वेट कीजिए ताकि ज़रा बच्चे भी ज्वाइन कर लें। हमारा ग्रामर का काम है तो ज़रा रजिस्टर साथ लेके बैठना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा, आज हमारा ज़रा ग्रामर का लेक्चर होगा। आप ज़रा काइंडली सबके सब जो है इसे नोट डाउन करना शुरू कीजिए। जब ये स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर लोगे तो मुझे बता देना कि सर डन, ताकि फिर हम ज़रा आपसे आगे करवाना शुरू करेंगे, ठीक है? सबके सब बच्चे बेटा इसको ज़रा नोट डाउन करना शुरू करो। शाबाश शाबाश, सब बच्चे ज़रा इसको नोट डाउन करना शुरू करो बेटा। जब कर लोगे तो मुझे चैट पे बता देना कि सर डन, ताकि फिर हम ज़रा इसका काम करना शुरू करेंगे और फिर आपको सेंटेंसेस देंगे के बनाने के लिए। हो गया सर। डन, सिमरन का मैसेज आ गया और पता नहीं किसने, चलो कशफ का भी आ गया। आई थिंक बुशरा ने कहा था कि सर हो गया। सुमैया बेटा आपका हो गया। सुमैया बेटा, जब आप नोट डाउन कर लो ज़रा मुझे बता देना, ताकि ज़रा फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे बेटा। अच्छा क्लास, मेरे बच्चों मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि हमारे पास जो हम लोग सेंटेंसेस वगैरह बना रहे होंगे वो अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अब देखो टाइप टू में क्या है, इसके अंदर भी मैंने नो एक्शन लिखा हुआ है। तो बेसिकली नो एक्शन, और यहाँ पर टाइप टू में इसको क्यों बोल रहा हूँ उसकी एक वजह है ये। दरअसल इसमें कोई एक्शन नहीं आता, लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो
हमारे पास ये सेंटेंसेस बेसिकली हम तब यूज करते हैं कि जब आपने कहते हैं ना खास तौर पे कोई पोजेशन का बताना हो, कोई मिल्कियत बतानी हो, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर तब ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मैं से बन जाएगा मेरे पास, हम से बन जाएगा हमारे पास, ठीक, और तुम से तुम्हारे पास, जो लड़का होगा उसके लिए आएगा उसके पास, लड़की के लिए भी उसके पास, एक से ज्यादा लोगों के लिए आएगा उनके पास। ठीक है, नाउ लेट्स सी हमारे पास बड़ा सेंटेंस में क्या आ रहा है। पहला सेंटेंस आ रहा है मेरे पास किताब है। ठीक है, तो सुमैया मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ। बेटा जरा मुझे बताओ, ये सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो जरा स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके ख्याल से क्या बनेगा? मेरे पास किताब है, क्या क्या बनना चाहिए? I have a book. आई हैव अ बुक। लेकिन मेरे बच्चों जरा अब बताओ, अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पर, उन्होंने बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, वो बनाते हैं नेगेटिव, आई हैव नॉट अ बुक, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैव आई अ बुक, हैव आई नॉट अ बुक। अच्छा सुमैया और बाकी सब बच्चे भी, अगर तुम लोगों को आता भी है तो एक मरतबा जरा पहले चुपचाप सुन लो, उसके बाद देख लेना। देखो बेटा, अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव पे आप नोट करो, मैंने जो स्ट्रक्चर लिखवाए मैं पिछले पेज पर आपके पास, जरा ये देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा है डू और डज। देखो भाई, अफर्मेटिव में अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाह रहे हो तो वो आ सकता है हैज और हैव, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव को हटा के बात करोगे, जहां जहां पर हैज आया था वहां पर डज आएगा, जहां जहां पर हैव आया था वहां डू आएगा। तो समझिए मेरा बच्चा, बताओ हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? I do not have a book. शाबाश, इंट्रोगेटिव बताओ क्या बनेगा बेटा? Do I have a book? शाबाश, इंट्रो नेगेटिव, Do I not have a book? शाबाश, गुड। अच्छा इसके बाद हम बोलते हैं जरा सिमरन, बेटा आप माइक पर आइए जरा सिमरन। जी सर. मेरा बच्चा जरा यहाँ पर जरा देखो अगला सेंटेंस क्या आ रहा है हमारे पास। सिमरन यस सर. बेटा बताओ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आपके पास? उसके पास किताब है. अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में, तो आप ही लगाओ तब भी सही है, शी लगाओ तब भी ठीक है। सही है, मुझे बताओ अफर्मेटिव क्या बनेगा? सिमरन, She have a book. अच्छा देखो, अब आपने कहा शी हैव, She have. एक मिनट रुको पीछे आते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर देखो, जरा स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा? अरे समझिए, सर. हाँ सब बेटा समझ रहे। अच्छा बेटा, अगर आपने कहा सब्जेक्ट नाम ने शी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा कि अफर्मेटिव जो हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं वो कौन से करने हैं? हैज इस्तेमाल करना है और क्या करना है बताओ? हैज Have. हैव में से एक करना है। ठीक है, Have. अब मैंने देखो मेरा बच्चा नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो हैज आएगा ना वो किसके साथ आएगा, देखो जरा क्या लिखा है, किसके साथ यूज करेंगे हम लोग? थर्ड थर्ड पर्सन क्या, पूरा पूरा पर्सन पढ़ो। सिंगुलर. हाँ बेटा, सब्जेक्ट चार्ट आपने बनाया था तो मुझे बताओ कि क्या शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है? थर्ड पर्सन सिंगुलर तो मेरा बच्चा फिर बताओ हैज आएगा कि हैव आएगा, है. हैज तो क्या बनेगा सेंटेंस बताओ? बुक. शी हैज अ बुक। लेकिन अब जरा नेगेटिव देखो जरा, कि अगर नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट में क्या आएगा? शी हैज शी Does not has a book. हाँ, ये वाली मिस्टेक मैंने जरा कवर करनी थी। मेरे बच्चों जरा अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो अगर आपकी स्क्रीन पे भी जो भी बना हुआ है अगर आप नोट कर लो, यहाँ देख रहे हो मैंने ये वाला हैव नेगेटिव में, ये वाला हैव और ये वाला है, मतलब नेगेटिव का इंट्रोगेटिव को इंट्रो नेगेटिव का, ये वाले जो हैव है अगर आप नोट करो बेटा, मैंने इसको खास तौर पे बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है। देखो भाई, ये वाले हैव का हेल्पिंग वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अक्सर बच्चे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले वो करते हैं शी हैज अ बुक बनाते हैं, सही बनाते हैं, लेकिन जब वो नेगेटिव बनाते हैं ना वो इतना तो ठीक करते हैं शी डज, क्योंकि उनको हमने बताया वो होता है कि भाई हैज बन जाएगा डज, डज नॉट, लेकिन वो ये वाले हैव को भी हैज कर देते हैं जो कि गलत है। ये वाला हैव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा बच्चा सिमरन अब बताओ आंसर क्या बनेगा? She does not has a book. अरे दोबारा वही रिपीट कर दी मिस्टेक। सिमरन मेरा बच्चा, मैंने अभी क्या बताया, book. दोबारा बोलो, अगेन बोलो। She does not
बुक। शाबाश। देखो मैंने कहा ना ये वाला हैव चेंज नहीं होगा, ये हैव ही रहेगा, इसको हैज नहीं बनाओ। ठीक है। अच्छा इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बताओ बेटा। डज शी हैव अ बुक? शाबाश। और इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? डज शी नॉट हैव अ बुक? शाबाश। ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा यहां तक पहले आप लोग ये दो सेंटेंसेस जरा बना लो। ठीक है। जब ये बना लोगे तो मुझे बोल देना कंटिन्यू, ताकि फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा। जल्दी करो, पहले ये बारे में बनाओ, उसके बाद हम आपको सेंटेंसेस जरा बताते हैं। पहले यार ये कर लो, फिर जरा मुझे बताओ, ताकि मैं तुम लोगों को आगे सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा। कशफ मेरा बच्चा, सबर सबर, बाकी ने भी करना है, रुको वेट करो। ओ भाई मैं हैंड फ्री उतार देता हूँ कभी कभार बीच में, तो मुझे जरा काइंडली चैट पे बता दिया करो। सही है, मुझे सिर्फ अभी कशफ का बताया, शायद किसी और ने मुझे ख्याल से कुछ बोला था कि उसने भी कर लिया है। अभी सिर्फ मुझे कशफ का बताया कि उसने कर लिया, बाकी बच्चे भी सारे बताइए, जब कर लोगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। हाँ मेरा बच्चा, मैंने खुद मतलब कशफ बेटा वो मैंने खुद स्क्रीन हटाई है, ये देखो यहीं पर हूँ भाई, यहीं पर हूँ, फिक्र नहीं करो, ये रहा। ठीक है, खुद बंद करिए क्योंकि तुम लोग भी जरा बनाओगे। चलो भाई ठीक है, आई थिंक सबका मैसेज आ गया। सिमरन का, बुशरा मेरा बच्चा आपका मैसेज नहीं आया, आपने कर लिया? बुशरा ओके भाई ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों जरा अभी 1 मिनट रुको, सेंटेंस बनाने शुरू करने से पहले जरा एक नज़र एक जरा मेरी बात सुन लो, बाद में करना जरा। ये देखो मैं तुम लोगों को आगे सेंटेंस और दे रहा हूँ, लेकिन एक बात नोट करो यहाँ पर, जैसे कि मैं बल्कि कश्यप मेरा बच्चा जरा आप माइक पर आओ, कश्यप माइक पर आओ बेटा जरा, यस और बाकी बच्चे भी जरा साथ साथ मेरी बात सुनो। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है आमना की आंखें नीली हैं। ठीक है। अब आप बोलें कि सर हमारे यहाँ पर तो सेंटेंस में तो ये आ ही नहीं रहा कि जैसे कि आपने तो बताया था मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, उनके पास, तो ये वाला तो सेंटेंस यहाँ बन नहीं रहा। ठीक है। तो आप तो बोल रहे हैं आमना की आंखें नीली हैं, और इसमें तो टाइप टू कैसे आएगा बेटा? ये भी टाइप टू से आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर तुम लोगों को मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। दरअसल कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें पास नहीं आता, उसके बावजूद हम उसको टाइप टू से बनाते हैं। पास नहीं आता उसके बावजूद क्या करते हैं, उसको हम टाइप टू से बनाते हैं। ठीक है। इसकी एक वजह है, बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बेसब्री, 1 मिनट रुक सर, जाओ। क्योंकि जाती जाती चीज है ना हमारी, तो अल्लाह ताला ने दिया है इसलिए। लेकिन इसके साथ साथ एक वजह है, मजे की बात यह है कशव के, और कि हमारे पास ये वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, ये टाइप वन टाइप टू दोनों से बन सकते हैं। ये वाले जो मैंने अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस दिखाए हैं ना, सिवाय इसके नंबर 9 वाले को छोड़ के, 8 वाला, 7 वाला, या अगर मैं बोलता हूँ कि उनका एक खूबसूरत घर है, तो ये भी हमारे पास टाइप वन टाइप टू से बन सकता है। जैसे कि कश्यप मेरा बच्चा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आमना की आंखें नीली हैं, तो मुझे बताओ अगर इसको हम टाइप वन से बनाना चाहें क्या बनाएंगे? आमना की आंखों को क्या बोलेंगे? आमनाज आईज, यही बनेगा। यस सर, ठीक है। हेल्पिंग में क्या रहेगा टाइप वन आमनाज में? आईज आर ब्लू, आर ब्लू। हार्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, आमना जायज आर ब्लू। लेकिन कशफ मेरा बच्चा, मेरा आपसे एक सवाल, यही सेंटेंस अगर हम टाइप टू के मुताबिक बनाएं तो बताओ सब्जेक्ट में क्या आएगा? आमना। ठीक है। आमना क्या आएगा? हेल्पिंग में क्या लगेगा, हैज या हैव? हैस आमना हैज। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ब्लू आईज। शाबाश। अब देखो दो सेंटेंस बन रहे हैं, टाइप वन बन रहा है आमनाज आईज आर ब्लू, और एक बन रहा है आमना हैज ब्लू आईज। चलो मैं तो टीचर हूँ, मेरी बात छोड़ो, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग मुझे बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे जवाब दो चैट पे मुझे, आप बताइए मेरे बच्चों सुनने में क्या बेहतर लग रहा है, टाइप वन या टाइप टू? टाइप वन है आमनाज आईज आर ब्लू, और एक आमना हैज ब्लू आईज, बताओ क्या सही लग रहा है? टाइप टू ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। टाइप हाँ टू। एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी बच्चों को आइडिया हो गया बेटा मैं क्यों बोलना चाह रहा था। सही है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को किससे बनाते हैं? टाइप टू से ही बनाते हैं। हालांकि पास नहीं आ रहा, लेकिन देखो यहाँ पर गलत डेटा फीड मत करो कि पास आएगा तभी टाइप टू बनेगा। जैसे कि मिसाल की बात ये देखो मेरी एक छोटी बहन है, इसमें मजे की बात क्या है कि इसमें पास नहीं आ रहा और ये टाइप वन से बनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कश्यप
कश्यप ट्राई करके देख लो, 9 वाला टाइप 1 से बन रहा है क्या बताओ? नहीं सर, हाँ देखा, तो अपने आप को ना नहीं बन सकता। एग्जैक्टली तो अपने आप को लिमिटेड मत करो, अपने ऑप्शंस खुले रखो, अपना माइंड ब्रॉड रखो। अब मेरे बच्चों आपने इन तमाम सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है, लेकिन एक काम करना, बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना कि जब ये ऊपर वाले सेंटेंस बना लो ना, तो ये जो आखिरी सेंटेंस है कि उनके पास क्या, उनके पास नए कपड़े हैं, तो इसके आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना, ताकि तुम लोगों को खुद आइडिया हो जब तुम लोग कॉपी खोल के देखो कि यार इसके नीचे जो सेंटेंस है हम टाइप 2 से ही बना रहे हैं, लेकिन एक अलग वजह है। जब एक लाइन देखोगे खुद समझ जाओगे, ठीक है मेरे बच्चों? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम लोग अगर वक्त से पहले कर लोगे तो तुम लोगों में वक्त से पहले आंसर बता दूंगा। तुम लोगों के पास टोटल हैं 15 मिनट्स, जल्दी करो, 15 मिनट्स के अंदर अंदर तुम लोगों ने सॉल्व करना है, फिर मैं तुम लोगों को आंसर डिक्टेट कराऊंगा। शायद तुम लोगों की स्क्रीन पे ना लिखे हुए हैं, मैं खुद पूरे पूरे बताऊंगा, सही है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और कुछ भी पूछना हो मेरे बच्चों तो बेटा चैट पे पूछ लेना, परेशान मत होना, मैं हैंड भी उतार रहा हूँ जरा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अगर रिप्लाई ना करूँ तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, जो पूछना हो चैट पे पूछ लेना, दैट्स इट। मैं जरा माइक भी ऑफ कर रहा हूँ अपना, बेटा वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ, सही है? स्टार्ट कर दो सारे बच्चे। नाउ टाइम इज अप। अब जरा सब बच्चे ध्यान से सुनो और उसके बाद करेक्शन करते रहना, ठीक है बेटा? हमारे पास फर्स्ट है, क्या हमारे पास गाड़ी है? इसका बनेगा डू वी हैव अ कार, वी हैव अ कार, वी डू नॉट हैव अ कार, डू वी नॉट हैव अ कार। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? इसका बनेगा, सॉरी माई मिस्टेक माई मिस्टेक, तुम्हारे पास मोबाइल है, इसका बनेगा यू हैव अ मोबाइल, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू नॉट हैव अ मोबाइल। अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्या आप लोगों को ये पता है, इसको मोबाइल नहीं पढ़ते, एक्चुअल जो इंग्लिश होती है उसमें मोबाइल नहीं पढ़ते, किसी को पता है क्या पढ़ते हैं? हाँ भाई दो सर। बेटा, क्योंकि ये इंग्लिश की प्रोनंसिएशन के मुताबिक ये गलत वर्ड होता है, एक्चुअल में ये नहीं पढ़ा जाता, इसे एक्चुअल में पढ़ा जाता है मोबिल, मोबिल, ठीक है? वो अलग बात है कि इतना कॉमन हो चुका है कि सब कैसे मोबाइल बोल रहे होते हैं, ठीक है? कभी देख लेना, सर्च कर लेना, अगर बल्कि कोई गेम्स खेलता है तो आपको जब गेम्स खेलते हुए बीच में एड्स नहीं चलते, तो अक्सर गेम्स के भी एड्स चलते हैं, तो उससे बोलते हैं इट्स अ मोबाइल गेम, मोबाइल गेम नहीं होता, वो बोलते हैं मोबाइल गेम, ठीक है? वो ये बोल रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू नॉट हैव अ मोबाइल। अच्छा देखो, आइए फोर्थ पे क्या लिखा हुआ है, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है? अब अगेन देखो, इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक? क्या बनेगा, चलो हम ही लिखते हैं, डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, अफर्मेटिव बनेगा, ही हैज अ कंप्यूटर, नेगेटिव बनेगा, ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर, और इंट्रोगेटिव बनेगा, डज ही हैव अ कंप्यूटर। डन, नेक्स्ट है नंबर 5, उसके पास चूड़ियां नहीं है। एक एक कंप्यूटर एक एक मिनट, सुमैया मेरा बच्चा आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने सुमैया? दोबारा बोलो बेटा। तो इसका एक्चुअल डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर बनेगा ना? हाँ, इसका एक्चुअल बनेगा डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, ठीक है? ओके, नंबर 5 है, उसके पास चूड़ियां नहीं है, ये नेगेटिव है, तो ही एंड शी दोबारा लगा सकते हो, लेकिन सेंस शी का बन रहा है तो शी लगा लेते हैं, बनेगा शी डज नॉट हैव बैंगल्स, ठीक है? BANGLES, बैंगल्स, ठीक है? और अफर्मेटिव बनेगा शी हैज, HAS, शी हैज बैंगल्स, नेगेटिव तो खैर बना हुआ है। इंट्रोगेटिव बनेगा डज शी हैव बैंगल्स, डज शी नॉट हैव बैंगल्स। 6 बनेगा, क्या उनके पास नए कपड़े नहीं हैं? एक से ज्यादा की बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी नए कपड़े हैं, माई मिस्टेक, डू दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, डू दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। आगे आ जाओ, आगे लिखा हमारे पास, तुम्हारे बाल लंबे हैं, तो इसका बनेगा मेरे बच्चों यू हैव लॉन्ग हेयर। और एक बात पहले से बोल दूं बेटा, हेयर्स कुछ नहीं होता, ठीक है? HAIR, बस एस मत लगाना, एस अगर लगाओगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, हेयर ही होता है, सिंगुलर भी हेयर होता है, प्लूरल भी हेयर होता है, समझ गए बात? अच्छा, यू हैव लॉन्ग हेयर, यू डू नॉट हैव लॉन्ग हेयर, डू यू हैव लॉन्ग हेयर, डू यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। नंबर 8 तो हम बना चुके हैं, दोबारा बना रहे हैं,
आमना हैज ब्लू आईज, आमना डज नॉट हैव ब्लू आईज, डज आमना हैव ब्लू आईज, डज आमना नॉट हैव ब्लू आईज। अच्छा ये नाइन वाले का आंसर बताने से पहले जरा मैं देखता हूँ तुम लोगों ने आंसर क्या लिखे हैं, चैट पे बता दो या माइक पे आके बता दो, मसला नहीं है, बल्कि मुझे खुद बताओ छोटी बहन के लिए क्या इस्तेमाल किया तुम लोगों ने वर्ड, बताओ जरा। यंगर सिस्टर, आई एम अ स्मॉल सिस्टर। हाँ तो बेटा स्मॉल या लिटिल यूज मत करना, यंगर आएगा क्योंकि छोटी है, बोनी नहीं है वो, सही है। तुम लोग साइज नहीं बता रहे, इसका बता रहे हो। बोलने में चलता है, बोलने में स्पोकन इंग्लिश चलती है, टूटी फूटी बोलो चलेगी, बोलते ना आई हैव अ लिटिल सिस्टर चलेगा, लेकिन रिटन में जब आप बात करते हो तो आप प्रॉपरली लिखते हो, तो इसका बनेगा आई हैव अ यंगर सिस्टर, आई डू नॉट हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई नॉट हैव अ यंगर सिस्टर, ठीक है। तो मेरे बच्चों जरा बेटा अगर आप लोगों की अब आप लोगों ने ये बताना मुझे कि मिस्टेक्स आई हैं तो बताओ सर इतनी मिस्टेक्स, एक दफा रिपीट कर दें लास्ट सेंटेंस, लास्ट वाला, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। आई हैव अ यंगर सिस्टर, आई डू नॉट हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई नॉट हैव अ यंगर सिस्टर, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने चैट पे एक काम करना है कि मुझे बताओ कि कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, और क्लियर हो गया तो वो ही बताओ, मतलब इतनी मिस्टेक्स ऑल क्लियर, कोई मिस्टेक नहीं आई तो बोल दो नो मिस्टेक ऑल क्लियर, लेकिन बताओ ताकि मुझे आइडिया हो। सर एक सेंटेंस में मैंने डू डू की जगह डज यूज कर लिया है। कौन सा वाला? तुम्हारे पास मोबाइल है। तुम्हारे पास, तो डज थोड़ी आएगा, इस पर डू आएगा ना मेरा बच्चा, ये मिस्टेक सर मिस्टेक थी। ओके और समझिए बेटा आपकी समझ में आ गया या कोई मिस्टेक आई है आपकी? सर सेवन वाला रिपीट कर दे। सेवन वाला, अब जरा माइक पे ही रहो एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारे बाल लंबे हैं क्या बनेगा? यू हैव लॉन्ग हेयर। सिक्स वाला, क्या उनके पास नए कपड़े हैं? तो इसका बनेगा डू दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, डू दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। हाँ समझ गया मेरा बच्चा, कोई मिस्टेक आई है? क्लियर है, ठीक है। कशफ बेटा आपने नहीं बताया, आप बताओ तुम, बल्कि तुम एक मिनट माइक पर आओ जरा एक मिनट बाद। कशफ यस सर, मेरा बच्चा कोई मिस्टेक? नो सर। अच्छा और एक बात बताओ, तुम जो इतनी जल्दी काम करके बैठी हुई होती, तुम ये वाली हरकत तो नहीं करती ना कि सेंटेंस लिखा उसके नीचे डैश 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 डैश, ये वाले काम तो नहीं करती? पहले बोल रहा हूँ हरकत नहीं होनी चाहिए, हाँ ये बच्चों वाली हरकत नहीं करती, पहले बोल रहा हूँ, सही है। चलो मेरे बच्चों बेटा फिर उसको हम आज यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा बाद में मुलाकात करते हैं एक दूसरे लेक्चर के साथ। ओके अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।